أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل كرم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين المرتضى شاهي جمعة مسجد من حاضر باش जुमला सादा तिकिराम जुमला हाजी साहिबान ज़ईफुल उमर मेरे बुजुर्गो खान उमर साथियों अजीज बच्चों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के सुन्नत खुतबे के बाद रब्बानी कलाम रब्बानी पैगाम रब्बानी संदेशा रसूल अल्लाह की भाषा में आप हजरात के कानों तक पहुंचाने का शर्फ हासिल किया है। ये वही आयत मुकद्दसा है जिसे मैंने गुज़िश्ता जुमा में भी गर्दाना था। फिर से आज हुसूल बरकत और इस धरती की बात को आपके कानों तक पहुंचाने की गर्व रखता हूँ। फिर से इस आयत पाक को आज के लिए सरनुमाए बयान करार दिया है। कुछ बातें अर्ज मारूज करूँ अभी कबल बेहतर मुनासिब ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ अपने आका व मौला मक्के मदीने के दूल्हा जनाब अहमदी मुजतबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ पूरी पूरी ईमानदारी और पूरी पूरी बेदारी का सबूत देते हुए तशरीफ़ फरमा जुमला उशाकान रसूल बारगाह रसूल वाले रसूल में झूम कर दूध पाक पढ़े सल्लल्लाहु अला नबियल मिहिल वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम। मौज़ा सामीन किराम और एक मरतबा जुमे और बारगाह रसूल वाले रसूल में जुम कर बाबा जी मगर اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مع الجود والكرم من بين العلم والحكم وبارك وسلم اور ایک مرتبہ پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। मौजूद सामीन हजरात इस्लाम में पांच रुकन हैं पांच अरकान हैं तौहीद नमाज रोज़ा ज़कात और हज ये पांच अरकान हैं इस्लाम के। तौहीद बेईमान को कलमा पढ़ना नमाज हर आकील बालिग़ मुसलमान
मर्द औरत पर फर्ज है और रोज़ा साल में एक मरतबा जब जब भी माह रमज़ान आ जाए तो रोज़े का रखना हर आक़िल बालिग़ मुसलमान मर्द और औरत पर अल्लाह ने साल में एक मरतबा फ़र्ज करार दिया है। कलमा यानी कि तौहीद, नमाज और रोज़े के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को हुक्म देता है जो साहिब निसाब है, 7.5 तोला सोना रखते हैं, 52.5 तोला चांदी रखते हैं, या थोड़ा सोना थोड़ा चांदी थोड़ा कैश मिलाकर आप 52.5 तोला चांदी खरीदने की ताकत पर ताकत वाले बन जाएं और उस पैसों पर एक बरस गुजर जाएं, तो फिर बची हुई कैश पर या बचा हुए सोने पर या बची हुई चांदी पर आपका ज़कात का दे देना वाजिब है। इस्लाम की 5 अरकान, पहला तो तौहीद, बेईमान का कलमा पढ़ लेना। इसके बाद जैसे ही आपने कलमा पढ़ा आप मुसलमान हो गए तो नमाज आ गई, नमाज के बाद साल में एक मरतबा माह रमज़ान का रोज़ा आ गया और साहिब निसाब को ज़कात का देना वाजिब करार दे दिया। और इन 4 बातों के बाद, साहिब निसाब के बाद जो साहिब इस्तेताअत बनता है, साहिब मन इस्तता इलैहि सबीला, साहिब इस्तेताअत वो हैं कि इतना पैसा कि सुकून व आफियत के साथ अपने गांव से मक्का चला जाए, मदीना चला जाए और वहां से फिर वापिस लौटे, उसके घर वाले ज़र्रा बराबर भी परेशानी के आलम में ना आए। यानी कि इस्लाम का जो आखिरी रुकन है, इस्लाम का जो आखिरी फ़र्ज है, वो फ़र्ज सिर्फ साहिब इस्तेताअत पर है और साहिब इस्तेताअत पर भी अल्लाह ने ये करम फरमाया, अल्लाह ने ये फजल फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ ज़िंदगी में एक ही मर्तबा इसे फ़र्ज करार दिया है। अगर हर साल कुर्बानी की तरह कुर्बानी वाजिब, हर साहिब निसाब पर कुर्बानी का देना वाजिब है और वो भी हर साल, कभी कभी हमारे अक्सर मुसलमान ही कह देते हैं कि मेरे अब्बा की तो गुज़िश्ता साल हो गई है, इस साल मेरी बारी है। हालांकि हर साहिब निसाब को हर बरस अपने तरफ से अल्लाह के नाम पर कुर्बानी का करना ये वाजिब है। अगर घर में 3 साहिब-ए-निसाब है तो 3ों पर कुर्बानी, 4 है तो 4ों पर कुर्बानी, 5 है तो 5ों पर कुर्बानी, किसी पर माफ नहीं। यानी कि हर साल कुर्बानी देनी पड़ेगी। मगर मेरे रब ने अपने बंदों पर, रसूल अल्लाह के उम्मती पर ये करम फरमाया कि तू जब तक जीता रहे तू साहिबे निसाब रहे, साहिबे इस्तेताअत रहे, मगर तुझ पर हज जिंदगी में बार बार नहीं बल्कि एक ही बार है। ये रब का करम, अगर हर साल बुला लिया होता तो कितनी परेशानी हो जाती, मुसलमान कितना परेशान होता। और इन दिनों में हज का करना, जहां 5.5 लाख 6 लाख रुपया टिकट, जो कि
मैगवारी के हिसाब से 6 लाख रुपया ज्यादा भी नहीं, क्योंकि तेल का डब्बा 1000 रुपये में मिलता था, 3000 में मिलता है। तो फिर जो 2 लाख के अगर 6 लाख हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जो साहिब इस्तेताब, अब ये जिसके पास पैसा होता है वही हज को जाता है, ऐसा नहीं। साहिब इस्तेताब इसलिए कि हज की फर्जियत होती है। कहीं आप ये गुमान ना करें, कभी आप ये ख्याल ना करें कि सिर्फ जिसके पास माल है, जिसके पास दौलत है, वही मक्का और मदीना का सफर करता है। अरे ऐसा नहीं है। माल शर्त है हज के फर्ज होने के लिए, मगर मक्का और मदीना वो जाता है जिस पर मेरे रब का करम होता है और मुस्तफा की निगाह इनायत होती है। जिस पर निगाह इनायत मुस्तफा होती है वही हज के लिए जाता है, जिस पर रब का करम होता है वही मक्के और मदीना जाता है। वरना कहीं ऐसे हैं जो अरबस्तान ना गए कब्रिस्तान चले गए, कहीं ऐसे हैं। यानी कि यहां जो माल की शर्त रखी ये फर्जियत के लिए, हज इस पर फर्ज है, फर्ज होने के बावजूद ना जा सका तो समझ लेना कि रब का कर्म शामिल है हाल नहीं, मुस्तफा की निगाह इनायत नहीं, रसूल अल्लाह की नजर इनायत नहीं। जब जब भी अल्लाह का करम होता है, जब जब भी मुस्तफा जाने रहमत की निगाह इनायत होती है, वो गरीब से गरीब तर होता है, उसका कभी मकाम मक्के में होता है तो कभी मदीनतुल मुनव्वरा में होता है। ये रब के फजल पर है। और अच्छा, ये हज जो है, हज ये हज आप यही समझते हैं कि जो हज करता है वो हाजी बनता है, जो हज करता है वो हज की सूरत में इबादत यानी कि आबिद बनता है। मगर दर हकीकत देखा जाए तो हज करने वाला हाजी भी बनता है, आबिद भी बनता है, मगर सच्चा आशिक भी बनता है। हज जो है, कुरान पाक में मैंने जिस आयत पाक को पढ़ा इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। दो नाम है, एक है सफा और एक है मरवा। जितने हुज्जाज किराम मक्के की धरती पर हरम पाक में पहुंचे हैं और जितने उमरा करने वाले हजरात उमरा में पहुंचे हैं, उन्हें पता है कि ये सफा और मरवा कोई इंसान नहीं, ये सफा और मरवा ये कोई औरत भी नहीं, बल्कि ये जो सफा और ये जो मरवा जिस मुकद्दस कुरान में जिसका नाम आया, ये नाम वहां दो पहाड़ियां हैं। अभी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी,
कोई ध्यान देने वाला कोई नज़र वाला जाए तो उसे पहाड़ियाँ मालूम पड़े, वरना उसे कुछ पता ही ना चले। पूरा एयर कंडीशन, सेंट्रल एसी, ये सफा और मरवा जो है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यार अगर तुझे हमें पहाड़ियों पर ही दौड़ाना था तो राजस्थान की धरती पर पहाड़ियां कम नहीं है, वहां दौड़ा लेता। इतना लंबा सफर, पावागढ़ कोई छोटा पहाड़ है, गिरनार कोई छोटा पहाड़ है, मगर वजह क्या है, कारण क्या है कि रब को पहाड़ियों पर दौड़वाना था तो मक्के में बुलाया। और मक्का पूरा रेगिस्तान, अरबस्तान पूरा रेगिस्तान, आप जहां जाओ जिधर देखो जहां नजर दौड़ाओ वहां पहाड़ियों के सिवा कुछ नहीं। इतनी सारी पहाड़ियां होने के बावजूद रब ने दौड़वाया तो वहां दौड़वाया जिसे सफा कहते हैं, जिसे मरवा कहते हैं। वजह क्या है, कारण क्या है? तो इतिहास ये बताता है, तारीख ये बताती है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे खलील हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को ये हुक्म दिया था कि अपनी बीवी हाजिरा और अपने बेटे इस्माइल को मक्का की वादियों में छोड़ दो, आज से मैं 3-4 हजार 5 हजार बरस पहले की मैं बात कर रहा हूं। अब आप अंदाजा लगाएं कि आज इतनी पहाड़ियां, आज इतने जंगल, आज इतनी पथरीली जमीन, तो आज से 5 हजार बरस पहले का क्या आलम होगा। और उस वक्त हद ये कि जमजम का वजूद खत्म हो चुका था। तो रब ने हुक्म दिया कि अपने बेटे को और अपनी बीवी को मक्के में छोड़ दो। जैसे ही अल्लाह का ऑर्डर आया, हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल, जो जिसकी उम्र करीब 6 माह है, 6 या 7 माह की उम्र है, हजरत हाजरा को लिया और इस्माइल को लिया, साथ चले मक्के में छोड़ा। माँ हाजरा पूछती रही कि यहाँ क्यों छोड़े जा रहे हो, यहाँ क्यों छोड़े जा रहे हो, यहाँ क्यों छोड़े जा रहे हो। हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम ने जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, मगर पीछे भी नहीं देखा। कैसी ये अल्लाह की मोहब्बत, रब से ये कैसा इश्क। पूरी हयात जिंदगानी, यहां तक कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह 80 बरस तक अल्लाह की बारगाह में कहते रहे, मेरे रब मुझे एक नेक बेटा अता फरमा, ये दुआ मांगते रहे। 80 बरस के बाद रब ने बेटा अता किया। 80 बरस के बाद रब ने एक बेटा अता फरमाया, और 80 बरस के बाद जब बेटा दिया तो मक्का में छोड़ने का हुक्म छोड़ा। हजरत माँ हजरा अर्ज करती रही, पूछती रही, क्यों छोड़े जा रहे हो, क्यों छोड़े जा रहे हो, क्यों छोड़े जा रहे हो। हजरत इब्राहिम ने कोई जवाब न दिया। माँ हजरा खलीलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, क्या अल्लाह ही का हुक्म है? हजरा क्या कहती है, क्या ये अल्लाह का ऑर्डर है, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? उस वक्त हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि हाँ, ये मेरे रब का हुक्म है। माँ हाजरा पुकार उठी, जब मेरे रब का हुक्म है तो मेरा रब हमें जाए ना फरमाएगा। कैसा यकीन, ये कैसा विश्वास कि अब रब हमें खत्म ना फरमाएगा, बल्कि जब रब का हुक्म है तो रब ही हमारी हिफाजत फरमाएगा, रब ही हम पर फसल फरमाएगा।
एक ऐसा अटूट विश्वास माँ हाजरा का अल्लाह की ज़ाते पाक पर कि अल्लाह हमें ऐसी, जब अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का ऑर्डर है, तो अल्लाह इस जंगलों बयाबान में भी हमारी हिफाजत फरमाएगा। और वो रब जो माँ के पेट में हमारी हिफाजत फरमाएगा, वो रब कब्र की काली कोठड़ी में हिफाजत फरमाए, वो रब आप दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाओ, मेरा रब कल भी हिफाजत फरमाता था, आज भी हिफाजत फरमाए। रब का कारण है। तो उस वक्त अल्लाह के हुकुम पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने माँ हाजरा और हजरत इस्माइल को छोड़ा। अब हजरत खलीलुल्लाह ने खाने पीने के लिए कुछ सामान दिया, कुछ पानी और कुछ खजूर अता कर दी। यहाँ तक कि रिवायतों में आता है कि ये पानी और खजूर दो या तीन दिन चला। उसके बाद माँ हाजरा के थन से दूध का आना बंद हो गया। अब माँ हाजरा परेशान, दूध नहीं आता था, छह माह का बच्चा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम, तो जब हजरत इस्माइल तड़पने लगे तो माँ हाजरा के दिल में ख्याल आया कि मैं अपने बेटे के लिए पानी को तलाश करूं, पानी को तलाश करूं। तो माँ हाजरा जहां पर हरम पाक है, हरम और इससे 10 कदम की दूरी पर मकामे इब्राहिम और खानाए काबा के बीच में, बिल्कुल सेंटर में, वहां आबे जमजम यानी कि जमजम का कुआं है। इस्माइल अली सलाम को वहां छोड़ा और वहां से छोड़कर माँ हाजरा सबसे पहले सफा पहाड़ी पर चढ़ी। बोलो जरा तड़को, सफा पहाड़ी पर चढ़ी और वहां चारों ओर देखा कि कहीं पानी मिले, कहीं परिंदों का उड़ना दिखाई दे ताकि मुझे पानी नजर आए। चारों ओर ऐसे नजरों को दौड़ाया, सफा पर पानी नजर ना आया। फिर अपने बेटे इस्माइल की याद आई, फिर जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम लेते हैं वहां तशरीफ लाई, फिर पानी की तलाश में मरवा पर देखा। यहां तक कि आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 चक्कर लगाए, 7 चक्कर माँ हाजरा ने एक नबी के मोहब्बत में, अपने बेटे की मोहब्बत में ये 7 चक्कर ऐसे लगाए, और मेरे रब को ये 7 चक्कर लगाना इतना पसंद आ गया कि उम्मते मुस्तफा पर मेरे रब ने वाजिब फरमा दिया। कयामत तक हज होती रहेगी, माँ हाजरा की याद आती रहेगी, माँ हाजरा को याद किया जाएगा। और इस तरफ क्या हुआ, माँ हाजरा पानी की तलाश में दौड़ती रही, घूमती रही, फिरती रही, और यहाँ शिद्दत प्यास में 6 माह का हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम अपनी एड़ी की रगड़ लगाते रहे, अपनी एड़ियों को जमीन पर मारते रहे और एक ऐसी रगड़ मक्का की धरती पर हजरत इस्माइल की
की लगी, मेरे रब ने वहां जमजम का कुआं अता फरमा दिया। और ये जो जमजम, ये जो पानी का हम नाम लेते हैं जमजम, ये असल में सुरियानी जबान है। इसका अर्थ, इसका भाषांतर ये होता है कि रुक जा, थम जा। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अगर माँ हाजरा ने इसे जमजम न कहा होता, मुफस्सिरीन किराम मुहद्दिसीन निजाम फरमाते हैं कि माँ हाजरा ने अगर इस पानी को रोका ना होता तो यही जमजम पूरी दुनिया में फैल जाता। आप अंदाजा लगाएं, इस्माइल रेगिस्तान में पानी को निकालना जानता है, ज़बीउल्लाह मक्का की धरती पर जमजम को निकालना जानता है, और उसकी माँ जिसे हाजरा कहते हैं वो हाजरा पानी को जमजम कहकर रोकना जानती है। बेटे का भी जवाब नहीं है तो वहां माँ का भी जवाब नहीं है। इन सफा वल मरवता मिन शाइरुल्लाह, जहां अल्लाह के महबूबीन के कदम लग जाते हैं, जहां अल्लाह के प्यारों के कदम की निस्बत मिल जाती है, रब उसे यूं कहता है इन सफा वल मरवा, बेशक सफा और मरवा ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है। गोया के हाजी जब हज को जाता है तो सिर्फ हाजी और आबिद नहीं बनता, सच्चे इश्क और मोहब्बत के साथ जाता है, तो मेरा रब उस हाजी को आशिकी बनाता है, दीवाना भी बनाता है, मस्ताना भी बनाता है। और रब की मसीहत यही है, रब की मर्जी यही है। आप मक्के में आते रहो, आप मक्के की धरती पर अपने कदम को रखते रहो और मेरे महबूबीन की अदा को अपनी अदा बनाते रहो। अदा तू बनाएगा, आशिक मैं बनाऊंगा। इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये सफा और मरवा जो माँ हाजरा का दौड़ना है, माँ हाजरा के कदमों की निस्बतें लग गई, अल्लाह को इतनी पसंद आ गई, अल्लाह को इतना प्यारा लगा कि कुरान में कह दिया ये सफा और मरवा आम पहाड़ियों जैसी पहाड़ियाँ नहीं हैं, इसको आम पहाड़ियों में शुमार न करना, इसको आम पहाड़ियों में न गिनना, बल्कि ये पहाड़ियाँ जहाँ हाजरा के कदम लगे हैं, कदम लगने की बरकतों से मैंने इसे अपनी निशानी बनाया है, अपनी निशानी बनाया है। लिहाजा दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व ताला ये चाहता है, अल्लाह की वसीयत ये है, अल्लाह की मर्जी ये है कि आप मक्के में आओ और मेरे महबूबों को याद करते रहो। महबूबों को याद करने का ही नाम, महबूबों की अदाओं को अपनी अदा बनाने का नाम ही हज है, हज है। इन सफा, और भी इसी मक्के में रब इरशाद फरमाता है वत्तखिज़ु मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला, इसी हरम पाक में अल्लाह ने एक मकाम रखा है जिसे मकाम इब्राहिम कहते हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इस बात पर हम जिक्र करेंगे। और जब हाजी हज के लिए जाता है, पहला अपना उमरा करता है या हज का तवाफ करता है, तवाफ ज़ियारत हालत अहराम में, तो फिर आप दुनिया के हर खित्ते में
आप गुरूर से चलो, घमंड से चलो, तो अल्लाह इसे गुनाह कहता है। मगर मक्के में बुलाता है तो अल्लाह कहता है कि जब हरम में आ जाओ तो पहले तवाफ़ के जो 7 चक्कर होते हैं, अपने बाएं सानू को खोल दो, अपने बाएं कंधे को खोल दो, खोलने के बाद अपने पूरी शान के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे गुरूर के साथ, अपने सीनों को तान कर, बड़े घमंड के साथ अपने सानुओं को, कांधों को हिला हिला कर, पूरे घमंड और तकबूर के साथ 3 चक्कर लगाना। ये 3 चक्कर तू लगाएगा, मेरे महबूब की याद ताजा हो जाएगी, मैं तुझे इबादत का सवाब अता फरमाऊंगा। बस अल्लाह तो ये चाहता है कि मेरे महबूब की अदाओं को करते रहो, अदाओं को तुम करना, हाजी मैं तुम्हें बनाऊंगा, गुनाहों को मैं तुम्हारे माफ करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब भी हमें मक्के और मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी ईमान के साथ, पूरी अकीदत के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको उसके महबूब की अदा को अदा करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िंदगी में हम सबको कभी ना कभी जो जा कर आए हैं उन्हें दोबारा, जो एक भी बार नहीं गया उसे फिर से मेरा रब करम फरमाए और मक्के की हाजिरी नसीब फरमाए, गुंबदे खजरा का दीदार नसीब फरमाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मौज़ सामीन हजरात बहमद ही ताला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने टुंडा की धरती पर बड़े बड़े सखियों को पैदा किया है, और माशाल्लाह जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, चाहे वो बड्डे हो, चाहे शादी हो, चाहे श्रीमंत हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले हर टुंडा का मुसलमान अपना ये रिवाज बना चुका है, अपनी ये आदत बना चुका है कि हम कुछ भी करेंगे सबसे पहले अल्लाह के घर में कुछ ना कुछ दे दिया करेंगे। अल्लाह हमारी इस खैरात के सदके में हमारे घर में होने वाले प्रोग्रामों को अल्लाह रब्बुल आलमीन सक्सेसफुल बनाए, अल्लाह अपनी रहमतों के साथ पाए तकमील तक पहुँचाए। तो माशाल्लाह हमारे भलावाद गुलाम नबी उदी सिंह जो हज बैतुल्लाह को जा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे रंजीत भाई वकील और उनके अहलिया उनके भाई भी जा रहे हैं। दुआएँ हैं के आलम इस्लाम से जितने भी मुसलमान हज को जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब के हज के सफ़र में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानियां नसीब फरमा, इनकी जान की, माल की, इज्जत की, अबरू की, ईमान की, इनकी औलाद की अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाए, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। तो हमारे भलावाद ग़ुलाम नबी उदय सिंह ने मस्जिद के अंदर 11,000 रुपये की इमदाद पेश की है अपने माँ बाप मरहूम के इसाले सवाब, मरहूम उदय सिंह और मरहुमा खैरुन्निशा के इसाले सवाब के लिए से, और 1,000 रुपया एक मुस्लिम भाई की जानिब से भी आ रहा है, और 1,000 रुपये की इमदाद हमारे अजीज़म राठौड़ मिहिर अजीत भाई की जानिब से भी आए हैं, और उसका आँख का ऑपरेशन है। आप तमामी हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि जब खुदने में बैठा जाए, करीब करीब इसका दूसरा या तीसरा ऑपरेशन है, कामयाबी नसीब नहीं हो रही है, और ये हमारा जवान बच्चा है, जवान बेटा है, बड़ी मोहब्बत वाला बेटा है। तो आप हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस बच्चे के लिए भी आप हजरात भी दौरान खुतबा में ज़रूर ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ऑपरेशन के ज़रिए इसकी आँख में जो भी मर्ज़ है, जो भी तकलीफ़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे शिफाए आज़िला नसीब फरमाए, शिफाए कामिला नसीब फरमाए। और बहमद ही ताला टुंडाव की धरती पर हर रविवार को एक लारी चलती है, इस लारी में भी टुंडाव की माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ अपने लंबे लंबे हाथों से एक लंबी सखावत देती हैं। तो माशाल्लाह 24,800 रुपये की इमदाद हमारी माँ बहनों ने पेश की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी इमदाद व खैरात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो लारी रविवार को निकलती है वो कल शनिवार को निकलेगी, तो जितने भी हजरात हैं इस बात का खूब खूब ध्यान रखें, और लारी वाले जितने भी मेरे बच्चे हैं वो कल सुबह सवेरे फजर की नमाज़ के बाद जल्दी जल्दी आ जाए। आपको बहुत फ़ोन करने पड़ते हैं, आपके जज्बे थोड़े डीले डीले हुए हैं,
फिर से अपने जज्बात और मोहब्बत के साथ, उख़ुवत के साथ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जल्दी उठने की और जल्दी आने की कोशिश करें। अल्लाह तुम्हें ताकत भी दे, अल्लाह तुम्हें सेहत भी दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा टुंडा में घूमना अल्लाह ऐसा घूमना बना दे कि मेरा रब तुम्हें भी मक्के और मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।